हेलो हाय स्टूडेंट, आपका एएमआर लाइव क्लासेस आईटी यूट्यूब चैनल पे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम बात करेंगे सोडियम एप्लम के कनेक्शन की कि सोडियम एप्लम के कनेक्शन हम कैसे करते हैं, सोडियम एप्लम में हम कॉपर ब्लास्ट का हम यूज कैसे करते हैं, उसके कनेक्शन कैसे करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इग्नेटर के कनेक्शन करना आपको आना चाहिए, क्योंकि इग्नेटर में रेड ब्लू और येल्लो वाइट दिया हुआ होता है, उसका कनेक्शन आपको कैसे करना है। क्योंकि कई स्टूडेंट वहां पे, जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिकल के वीडियो देख के तो जाता है लेकिन वो कनेक्शन नहीं कर पाता, तो क्यों नहीं कर पाता, हम वो कंडीशंस देखेंगे। 4 माइक्रोफेरेड का जो हमने कैपेसिटर यूज किया है, वो कैपेसिटर हम यूज क्यों कर रहे हैं, और लैंप होल्डर प्लस सोडियम एप्लम तो आपको चाहिए चाहिए। ओके, इतना समझ में आ गया। मैंने जहां पे भी स्किल टेस्ट दिए है, जैसे बार का स्किल टेस्ट दिया, बाकी अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जितने भी स्किल टेस्ट मैंने दिए हैं, उनमें मैंने ये देखा है कि सोडियम एप्लम के जो कनेक्शन है वो हर जगह पूछे जा रहे हैं। हर जगह सोडियम वेपर लैंप का कनेक्शन होगा या चाहे मरकरी वेपर लैंप का कनेक्शन होगा, कि मरकरी वेपर लैंप के कनेक्शन में और सोडियम वेपर लैंप के कनेक्शन में कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। कनेक्शन आपको ऐसे करने होते हैं, बस नाम क्या होता है, सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप। अगर मरकरी वेपर लैंप की जगह आपको मरकरी वेपर लैंप का कनेक्शन करना है और सोडियम वेपर लैंप की जगह सोडियम वेपर लैंप आपको लेना है, बाकी उसमें भी हम इग्नेटर का यूज करते हैं, 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर का हम यूज करते हैं और लैंप होल्डर का भी हम यूज करते हैं। इसमें आपको यह ध्यान देना है कि जो हम कैपेसिटर हम यूज करते हैं, अगर कैपेसिटर हम यूज ना करें तो भी हम सर्किट को चालू कर पाते हैं, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि कैपेसिटर का हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों पावर फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए। पावर फैक्टर जो गिरा देता है, क्योंकि कॉपर ब्लास्ट होता है एक इंडक्टिव कॉइल होती है, जो क्या करती है अपने कि मतलब वोल्टेज को बढ़ाने का काम करती है। अब यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाने का काम कैसे करती है, क्योंकि ब्लास्ट ब्लास्ट से मतलब है आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के जैसी ये वर्क करती है। अब इसमें आपने देखा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के जैसे वर्क कैसे करती है, और हम कॉपर ब्लास्ट का ही हम यूज क्यों कर रहे हैं, और हाई वोल्टेज के लिए हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो गैस भरी हुई होती है सोडियम वेपर लैंप के अंदर, तो सोडियम वेपर लैंप को जब चालू करते हैं तो उसको चालू करने के लिए हमें ब्लास्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, और जो सोडियम वेपर लैंप जो होता है उसमें सोडियम क्रिस्टल एवं नियोन लैंप का हम यूज करते हैं। ओके, इतना मैंने बेसिक जानकारी दे दी है। सोडियम वेपर लैंप हो गया, लैंप होल्डर हो गया, 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर चाहिए, एक इग्नेटर चाहिए और एक कॉपर ब्लास्ट भी चाहिए। ओके, यहां तक इतना समझ में आ गया तो हम यहाँ पे आगे इसके कनेक्शन करके देखने वाले हैं। तो आपको अगर इसके कनेक्शन करने में दिक्कत होती है तो आप अपने इस चैनल के साथ जुड़ करके सभी प्रैक्टिकल का फायदा उठा सकते हो। जितने प्रैक्टिकल मैं करवा रहा हूं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपने देखा एनवीएस का इसकी टेस्ट होने वाला है, अगर जिन स्टूडेंटों ने आईजीसीआर इंदिरा गांधी एटॉमिक फोर रिसर्च सेंटर का भी अगर एग्जाम दिया है और उनका स्किल टेस्ट के लिए अगर सिलेक्शन होता है तो वो भी अपने वीडियो ये देख सकता है। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हम देखेंगे सोडियम वेपर लैंप। लैंप कुछ भी हो सकता है, हम जो लैंप बनाने वाले हैं यह यू आकार की क्या होती है, ट्यूब होती है। ओके, इतना सही है आपके लिए, जितना समझ में आ रहा है उतना ठीक है। यहां पे आपके क्या लगे रहते हैं, फिलामेंट लगे रहते हैं। ओके, ओके, इससे आप समझ रहे हैं। आगे चलते हैं हम, यहां पे देखिए आपको क्या चाहिए, दो वायर चाहिए, जो एक किसका रहेगा फेज का और एक क्या रहने वाला है आपका न्यूट्रल का। ओके, इसको थोड़ा ज्यादा आप अपने आप से मैं ड्राइंग करके अच्छे से देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे जो लैंप ले रहा हूं इसके आकृति पे ध्यान ना दें। ओके, जितना अच्छा बन गया उतना ठीक है, बाकी हमें कनेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दो वायर चाहिए। अब दो वायर के साथ में आपको क्या करना है, कॉपर ब्लास्ट का आपका कनेक्शन करना है और एक इग्नेटर। कहने मतलब हमने सबसे पहले क्या लिया, सोडियम वेपर लैंप ले लिया, सोडियम वेपर लैंप का एक लैंप होल्डर ले लिया जो हमने यहाँ पे इसको लगा दिया। ओके, लगाने के बाद में आपको क्या चाहिए, एक इग्नेटर और एक कॉपर ब्लास्ट। अब कॉपर ब्लास्ट को हम कैसे ले सकते हैं, कॉपर ब्लास्ट के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक क्वाइल के सहायता से समझाने वाला हूँ। जो क्वाइल होती है ये ऐसे एक उसमें क्या लगे रहते हैं, एक क्वाइल लगी रहती है। ओके, अब इसका ये जो वायर रहेगा ये क्या रहता है, ये कॉमन होता है। क्या होता है, ये कॉमन होता है। तो कॉमन वायर को हम डायरेक्ट किससे कनेक्ट करेंगे, लैंप से कनेक्ट कर देंगे।
अब लैंप से तो हमने कनेक्ट कर दिया, लेकिन इसमें ये टेपिंग निकाली हुई होती है। जो टेपिंग जो निकाल के रखते हैं यहाँ पे, ये जो टेपिंग रहेगा क्या नाम, ये जो स्टार्टिंग का सिरा रहेगा यहाँ पे कितनी वोल्टेज मिलेगी आपको, 240 वोल्ट। तो थोड़ा हम इसको ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कॉपर इग्निटर के भी तो कनेक्शन करने हैं ना यहाँ पे। ओके, इस बिंदु पे कितना वोल्टेज रहने वाला है आपका, 240 वोल्ट। ओके, अब यहाँ पे जो मिडल पॉइंट है क्या नाम, तो यहाँ पे हम तीर के निशान से देख लेते हैं यहाँ पे कितनी वोल्टेज मिलने वाली है आपको। अगर 240 वोल्ट का ये है, हो सकता है ये 200 वोल्ट का हो, और हो सकता है 220 वोल्टेज का भी हो सकता है। ओके, तो इस पर कुछ ज्यादा वो ध्यान नहीं देना कि हम 220 वोल्ट भी लेके चल सकते हो या 240 वोल्ट। तो आपने दे लिया 220 वोल्ट या 200 वोल्ट, आप इसको लेके चल सकते हो। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है, कनेक्शन करना है इग्निटर के। तो इग्निटर हम ले लेते हैं रेड, तो रेड वायर को मैंने ऐसे दे दिया नाम येलो, ये हो गया, और एक बजो है। ओके, इसको हम क्या कर देंगे, डिब्बे में पैक कर देंगे। अब तो दिख रहा है। ओके, अब यहां पे आपको रेड वायर है, रेड वायर का जो पहला पॉइंट रहेगा, पहला पॉइंट को हमें 240 वोल्ट के साथ में हमें कनेक्ट करना है। ओके, तो यहां से आपको सीधा लेके आ जाना है। ओके, अब यहां पे क्या करना है, येलो वायर, येलो वायर का जो ये पॉइंट निकलेगा, इस पॉइंट को किसके साथ कनेक्ट करना है, 220 वोल्टेज के साथ में कनेक्ट करना है। कर दोगे? ओके, अब ये जो बली वायर है, क्योंकि येलो वायर का आपने कनेक्शन किसके साथ किया, 240 वोल्ट 220 वोल्ट के साथ, रेड वायर का कनेक्शन किसके साथ करना है, 240 वोल्ट के साथ, और बली वायर का जो कनेक्शन करना है यह आपका किसके साथ, लैंप के साथ में कनेक्शन करना है, क्योंकि कॉमन वायर आपका उसमें चला गया। अब यहां से ये जो है, ये एक तो इस तरफ, ओके, यहां से इतना समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, तीन वायर होते हैं, इग्निटर होता है ये कंप्लीटली, इसका नाम क्या होता है, इग्निटर, जो हमने यहां पे लिख रखा है, क्या नाम दे रहे हैं इसको, इग्निटर। इग्निटर में ये क्या होते हैं, तीन टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, रेड, येलो और ब्लू। जो रेड वाला होता है वो हाई वोल्टेज के साथ में कनेक्ट होता है, येलो वाला 200 या 220 वोल्टेज के साथ में कनेक्शन होगा, और ब्लू वाला सीधा डायरेक्ट कॉमन हो जाएगा। अब आपके इसमें दो वायर बच रहे हैं, अब दो कौन कौन से बच रहे हैं, एक तो यहां से जो हमने कॉमन किया है, एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। ओके, यहां पे देखेंगे, अब यहां पे आपको क्या करना है, एक कैपेसिटर का यूज करना है। अगर आप यहां पे कैपेसिटर नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। ओके, तो मैं यहां पे एक कैपेसिटर लगा देता हूं। कितने माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाते हैं, 4 माइक्रोफेरेड का। कितने माइक्रोफेरेड का, 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर हम लगाते हैं। ओके, और यहां पे आपको क्या करना है, सप्लाई देके चलाना है, फेज और न्यूट्रल। ओके, हमने जो ये कनेक्शन किए, ये आपको समझ में आ गए होंगे कैसे कैसे किया, हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपको ये क्या दे रखा है, सोडियम वेपर लैंप, इसको एस ए लिख देते हैं, सोडियम वेपर लैंप, एस वी एल भी लिख सकते हो या एस एल भी आप लिख सकते हो, सोडियम वेपर लैंप मैंने इसको नाम दिया। यहां से इसके जो दो वायर निकल रखे थे, दो वायर जो निकल रखे हैं, उसकी बात करते हैं। ओके, यहां पे जो इसके दो वायर निकल रखे हैं उसमें से क्या रहने वाले, ये वायर तो क्या रहेगा आपका, ब्लैक वाला, क्या मतलब न्यूट्रल हम इसको बोल सकते हैं, ब्लैक, ब्लैक वायर, और यहां पे इसका कौन सा रहेगा, रेड वायर। ओके, कहने का मतलब हम जो लैंप का होल्डर होगा उसमें से दो वायर निकालेंगे। अब वो अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से हम निकाल सकते हैं, जैसे मैंने निकाला एक रेड और एक ब्लैक। जो रेड वाला जो वायर निकाला उसको मैंने क्या किया, कॉपर जो ब्लास्ट रहेगी, कॉपर ब्लास्ट पे आप जब देखोगे वहां पे अलग अलग पॉइंट दे रखे होंगे, 4 पॉइंट होते हैं मैक्सिमम, और वैसे मैक्सिमम 3 पॉइंट भी होते हैं। क्या मतलब, एक कॉमन वाला होगा, एक 200 वोल्ट का हो सकता है, 220 वोल्टेज का हो सकता है, और 240 वोल्टेज का भी हो सकता है, 4 पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन आपको यूज कितने करने हैं, इग्निटर के हिसाब से, क्या इग्निटर में अगर तीन वायर है तो तीन वायर आपको डायरेक्ट यहाँ पे लगाने हैं। ओके, उसमें मैक्सिमम 3 ही पॉइंट रहते हैं, एक न्यूट्रल का भी अगर अलग से हो तो वो भी आप देख सकते हो। ओके, मैंने जो बात की यहाँ पे देखिए, 240 वोल्ट, 220 वोल्ट और कॉमन, इसमें 3 पॉइंट तो आपके मैक्सिमम होते ही होते हैं। ओके, 3 पॉइंट तो क्या होंगे, आपके मैक्सिमम मिलते ही मिलते हैं, जो कॉपर ब्लास्ट होती है उसमें 240 वोल्टेज का रहेगा, जो आप इनपुट इसके अंदर सप्लाई दोगे। 240 वोल्टेज वाले पे क्या देना है आपको, इनपुट सप्लाई देना है। अब इनपुट सप्लाई जो आपको दे रहा हो वहां पर रेड वायर, इग्निटर का जो रेड वायर लेना है उसको क्या है, सप्लाई वाले को और इग्निटर वाले को कनेक्ट कर देना है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक कॉमन बना दिया। ओके, अब जो
कॉपर ब्लास्ट रहेगी, ये जो हमने जो यूज किए ये क्या है आपकी कॉपर ब्लास्ट है, ये इग्निटर है, ये लैंप है, इतना तो समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो 220 वोल्ट है, 220 वोल्टेज का जो मिडल पॉइंट है, मिडल पॉइंट वाला कौन सा रहेगा आपकी कम वोल्टेज वाला, तो कम वोल्टेज वाले को हम किससे कनेक्ट करेंगे, येल्लो के साथ में। ओके, येल्लो के साथ में हमने कनेक्ट कर दिया। अब जो इसका एक कॉमन वायर रहेगा, कॉमन वायर को यहाँ, अब जब आप इसको अगर कॉपर ब्लास्ट को चेक करोगे तो कॉमन वायर का मतलब ही क्या होता है, आपने यहाँ पे एक पॉइंट लगा के देखोगे, अगर इनपे सभी पे अगर रीडिंग लेता है मल्टीमीटर से अगर आप चेक करोगे तो ये कंटिन्यूटी दर्शा देगा, तो इसका मतलब है ये कॉमन वायर। तो कॉमन वायर को किससे कनेक्ट करना है हमें, लैंप के एक पॉइंट से, लैंप के एक पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया। दूसरा पॉइंट निकला, दूसरे पॉइंट को हमने निकाल कर कहां पे लेके आया, इग्निटर के बल्ब वायर से कनेक्ट किया, और बल्ब वायर का वहीं से हमने क्या बनाया, एक पॉइंट बनाया, यहां से हमने एक आउटपुट लेकर के उसको यहां पे दे दिया। ओके, यहां से हम इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, फेज और न्यूट्रल हमने इनपुट सप्लाई दी, इनके दोनों के मध्य समानांतर में क्या लगाया हमने, 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाया। अब आपको ये सब कुछ पता है, 4 माइक्रोफेरेड का हम कैपेसिटर लगा रहे हैं क्योंकि जो कॉपर ब्लास्ट है ये कौन सी है, आपकी इंडक्टिव कॉइल है, कौन सी कॉइल है, ये आपकी इंडक्टिव कॉइल है। तो जो इंडक्टिव कॉइल होती है वहां पे क्या होता है, उच्च इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। अब उच्च इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा तो एक्सएल बराबर क्या होता है, 2π × FL, जहां पे एल का मान हाई होता है तो वहां पे एक्सएल का मान भी हाई होगा और उसमें बहने वाली धारा का मान क्या होता है, कम होता है। कहने का मतलब वो पावर फैक्टर को में क्या कर देता है, लैगिंग कर देता है, पावर फैक्टर को क्या कर देगा, लैगिंग कर देगा। तो उसी पावर फैक्टर को हम अच्छा बनाने के लिए, अपने सर्किट को अच्छा करने के लिए, क्या मतलब सोडियम वेपर लैंप को कोई प्रॉब्लम ना हो या इसका पावर फैक्टर का मान क्यों गिरे नहीं, इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड का हमने कैपेसिटर लिया, और कैपेसिटर क्या करेगा, पावर फैक्टर को सुधारता है। कब सुधारता है, जब इसको समानांतर क्रम में हम लगाते हैं। ओके, यहां तक इतना समझ में आ गया होगा, इसके जो मैंने कनेक्शन किए ये आपको अच्छे से आ गए होंगे। ओके, तो हम ब्लैक रेड वायर जो हमने लिया इसके कनेक्शन हमने पूरे इस तरीके से कनेक्शन किया। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे जो ये अभी तो हमने क्या लिया, सोडियम वेपर लैंप लिया, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे इस जगह ही मैं क्या करूंगा, अगर मर्करी वेपर लैंप का कनेक्शन कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कनेक्शन हमने ऐसा किया ये कनेक्शन उसमें भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लैंप है वो चेंज हो जाता है, क्या सोडियम वेपर लैंप की जगह हम मर्करी वेपर लैंप का हम यूज कर लेते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। ओके, बाकी सोडियम वेपर लैंप का जो स्टार्टिंग का जो कलर होता है वो हल्का पीला होता है, क्या पीला कलर होता है। तो आप ये सब कुछ बेसिक जानकारी तो आप अपने आप से तैयार करके जाए, बाकी मेरे को जो कनेक्शन बताने थे मैंने ये बता दिया कि इग्निटर के अंदर 3 वायर होते हैं, रेड, येलो और ब्लू। कॉपर ब्लास्ट के अंदर 3 पॉइंट होते हैं, 240 वोल्टेज का जो हाई वोल्टेज रहेगा उसको हम रेड वायर के साथ में कनेक्ट करते हैं, जो लो वोल्टेज के अंदर कम वोल्टेज वाला होगा उसको येलो वायर के साथ में कनेक्ट किया, इग्निटर का आप देख पा रहे हो। ओके, और कॉमन वाले को हमने कॉमन में डायरेक्ट लैंप को कनेक्ट कर दिया। ओके, मैंने इसको बार बार रिपीट करने की कोशिश की है और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अगर फिर भी इस वीडियो में अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे रिलेटेड हम आगे भी वीडियो देखते रहेंगे, मैं कह रहा हूं NVS इसके टेस्ट से रिलेटेड या IGCR, BARC, NPCR किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जितने भी स्किल टेस्ट हैं उनके लिए मैं ये तैयारी करवा रहा हूं। और आप यहां पे कॉमनली ये भी ध्यान रखें, जो आपका जो ये कैपेसिटर है, ओके, ये 380 वोल्टेज का होगा, रेटिंग इस पे 380 वोल्ट या 240 वोल्ट आप लेके चल सकते हैं, 4 माइक्रोफेरेड का होना चाहिए मैक्सिमम। और जो इसकी वाटेज है, मतलब ये जो सोडियम वेपर लैंप है ये मैक्सिमम 40 वाट है, मतलब 140 वाटेज तक का या मतलब इतना इसको बनाया जाता है। ओके, बाकी अलग अलग तरीके से इसके अंदर क्या मतलब आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम जो हम ये कॉपर ब्लास्ट है ये वोल्टेज को स्टार्टिंग में वोल्टेज को बढ़ा देता है, क्या मतलब स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज रखता है। और इसकी जो वाटेज रहने वाली है, क्या मतलब जो हमने यूज किया है ये मैक्सिमम हम 125 वाट का भी हम यूज कर सकते हैं, 140 वाट का भी हम यूज कर सकते हैं, 90 वाट का भी हम यूज कर सकते हैं। कह रहे हैं मतलब ये मैक्सिमम 40 वाट से लेकर के 140 वाट तक हम इस लैंप को बनाते हैं। ओके, तो आप जो भी लैंप लो, जो भी सोडियम वेपर लैंप लो, क्या मतलब इसको मान के चलिए 125 वाट का आप ले सकते हो। ओके, 125 वाट का, ओके, 125 वाट का हमने क्या लिया, सोडियम वेपर लैंप लिया, कॉपर ब्लास्ट लिया जो स्टार्टिंग में वोल्टेज को क्या कर देता है, ये बढ़ाता है, क्या मतलब आपने 240 वोल्ट दिया ये वोल्टेज को बढ़ा करके इसको क्या कर देगा, स्टार्ट करेगा, क्या मतलब इसमें जो गैस भरी रहती है उसको क्या करेगा, ये गर्म कर देगा और इसका हल्का पीला या गुलाबी जो भी प्रकाश होता है आप अच्छे से देख के दें, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ोगे तो थ्योरी में कुछ अलग मिलेगा और प्रैक्टिकल में कुछ अलग मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी गैस रहती है
वो नियॉन गैस और सोडियम क्रिस्टल गैस का हम इसमें मिश्रण यूज करते हैं। ये जो ट्यूब होती है और इसके अंदर निर्वात वैक्यूम हम इसको जो भी रखते हैं, ये आप इसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ के जाए किताब से, और बाकी जितनी जानकारी मैंने दी है ये आपके लिए सफिशिएंट है। ओके, प्रैक्टिकल में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता। ओके, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।